वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, क्या इंडियन टीम से भी बेहतर है मुंबई इंडियंस? रोहित शर्मा, बीसीसीआई, आईपीएल 2021, आईसीसी। तो फ्रेंड्स, हमने पिछला जो वीडियो किया था जिसमें हम कह रहे थे वो चेन्नई के ऊपर था ना, उनकी टीम के ऊपर, तो हम कह रहे थे कोई नहीं, हाँ कोई बात नहीं, अगर वो बुरा खेले हो सकता है दिल्ली को जो है कोई चांस मिल जाए। तो आप लोगों के कमेंट से पता चला कि दिल्ली का कोई चांस नहीं है, मुंबई हमेशा जीतेगा और जीतता रहा है, और इस बार ही जीत गया तो शायद हैट्रिक हो जाएगी मेरे ख्याल से, आपने बताया था। तो भाई अब देखते हैं, भाई मुंबई वाले तो बड़े खुश हो रहे होंगे आप सब, तो वो ये कह बता रहे हैं कि क्या उनकी टीम इंडियन टीम से भी बेटर है क्या। तो चलो पता करते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले अपने कानों में रुई डालो और उसे साफ कर लो। एक सेकंड, कहाँ रुई डालना है? कानों, बोला मैंने। अच्छा, का मेरे को लगा ए ज्यादा लगना नहीं चाहिए, समझे? सॉरी। अपने कानों में रुई डालो, उसे साफ करो और उसके बाद ये बात समझ लो कि जिस तरीके से बैट्समैन हेलमेट पहनते हैं, आपको भी मास्क पहन के रखना है। अच्छा। ठीक है, जिस तरह से भज्जी और श्रीसंत एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं, उसी तरह आपको भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और जितनी जल्दी जल्दी विराट कोहली रन बनाते हैं, इतनी ही जल्दी जल्दी आपको अपने हाथ भी धोने हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं बबुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, रौनक, और आप देख रहे हैं आईपीएल स्पेशल रणतंत्र। और जिन लोगों को मास्क न पहनने की चुल है, जो बिना मतलब के घर से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना को इनविटेशन दे रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी वजह से आईपीएल कैंसिल हुआ तो बाय गॉड की कसम इतना रोऊंगा कि मेरे आंसुओं से तुम्हारा घर भर जाएगा। इसीलिए मेरे भाई संभल जाओ, अपने लिए नहीं तो कम से कम क्रिकेट फैंस के लिए। अरे अभी आईपीएल होना है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। और एक बात समझ लो, आईपीएल तो बिना क्राउड के हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम तक सिचुएशन नहीं संभली तो वर्ल्ड कप शिफ्ट हो सकता है। अपनी नहीं तो इंडिया की इज्जत का ख्याल रख लो और मास्क चढ़ा लो। कोरोना से वैसे ही डरो जैसे आईपीएल की बाकी टीमें मुंबई इंडियंस से डरती है। पिछले 8 सालों में 5 ट्रॉफी जीतकर इस टीम ने जितनी ढंग से दुनिया हिलाई है, इतनी ढंग से तो इतनी बार दिल्ली में भूकंप भी नहीं हिला पाया। इसीलिए मैं यानी रौनक और मैं यानी बउआ आपके लिए आज मुंबई इंडियंस का टीम प्रीव्यू लेकर आए हैं। मुंबई वाले 5 कप जीत चुके हैं, एक और जीत ले तो 6 का सेट पूरा हो जाएगा। क्या है मुंबई इंडियंस की ताकत और क्या है उनकी कमजोरी, इसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। सॉरी, जस्ट किडिंग। कैसा लगा मेरा मजाक? ताकत के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि कमजोरी तो उनमें है ही नहीं। सबसे पहले ये समझिए कि मुंबई की टीम इतनी सेटल टीम है जितनी सेटल अंबानी जी के आने वाली 7 पुश्ते। इस टीम में आपको कोई वीक लिंक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए। आखिर जिस टीम के ऊपर भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर का हाथ हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। कैप्टन रोहित शर्मा के बारे में बात करें तो भैया साल में इतना वो वड़ा पाव नहीं उठाते जितनी उन्होंने ट्रॉफी उठा ली है। सही में 5 ट्रॉफी जीतकर वो आईपीएल इतिहास के सबसे कामयाब कप्तान है। और इस साल जीत की हैट्रिक अगर लग गई तो देख लेना अंबानी जी कहीं मुंबई में दूसरा एंटीला बनाकर उसे रोहित शर्मा के नाम न कर दे भाई साहब। वैसे मुंबई इंडियंस के चर्चे और उनका टैलेंट इतना फेमस है कि इंग्लैंड के भिंडी रोना एक्सपर्ट माइकल वॉन ने पिछली सीरीज में इंग्लैंड की हार की मेन वजह इंडियंस को नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस को माना था। उनके ट्वीट्स तो आपने देखे होंगे। वैसे बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। अगर मुंबई इंडियंस और टीम इंडिया के खिलाफ एक T20 मैच हो जाए जिसमें इंडिया के स्टार प्लेयर जैसे रोहित शर्मा, बुमराह और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलें, तो इंडिया का भी मुंबई को हराना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। टीम के की प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो न सिर्फ प्लेइंग 11 के 11 खिलाड़ी बल्कि पवेलियन में बैठे रिजर्व खिलाड़ी भी इस टीम के लिए गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन फिर भी अगर 2-4 नाम लेने हैं तो आप रोहित शर्मा, कृणाल पंड्या, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और पोलार्ड का नाम गिन लो, लिख के रख लो। टीम के एक्सपेक्टर है जसप्रीत बुमराह। एक ऐसा फॉर्मेट 2020 का जो बल्लेबाजों का माना जाता है, वहां पे बुमराह ने तबाही मचाई हुई है। खुद तो बुमराह भैया शादी के बाद हनीमून मनाकर
वापस आ गए हैं, लेकिन आईपीएल में वो बल्लेबाजों के जीवन में चड़स धनिया बोने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। उनकी बॉलिंग देखकर लोग राजस्थान की टीम के उस प्लेयर को याद करते हैं। कौन से प्लेयर को? बेन स्टोक्स। कितना अच्छा बॉल डालते हैं भैया बुमरा, है कि नहीं? अच्छा, अभी राजस्थान की बात नहीं हो रही, मुंबई की। हाँ सॉरी, इस पे फोकस करते हैं। अब घूम फिर कर वही सवाल होता है कि क्या मुंबई की टीम टॉप फोर में पहुंचेगी? भैया ये कैसा सवाल है? मुंबई की टीम आईपीएल तो क्या, पाकिस्तान का सुपर लीग, बांग्लादेश का प्रीमियर लीग, बिग बैस लीग, यहाँ तक कि गोकुल धाम प्रीमियर लीग के टॉप फोर में भी पहुंच सकती है और जीत भी सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद तो कोई वो मतलब होप ही नहीं छोड़ रहे ये लोग बोल के कि हमारी दिल्ली कुछ कर सकेगी। भैया ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, होप तो इतना तो ना करो कि हमारी होप ही खत्म हो जाए। एक छोटी सी चिंगारी तो जलती रहनी देनी चाहिए, राइट? पर अच्छा वीडियो था, मजाक एक तरफ पर वीडियो अच्छा था। इन्होंने काफी क्लियर कर दिया कि जो मुंबई इंडियंस की टीम है इतनी स्ट्रांग है कि ऐसे लग रहा है कि वही जीतेंगे और हैट्रिक जैसे कह रहे हैं उनकी ही होगी। अब ये हाँ, आप लोगों को पता है कि खोने को तो कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं कि वो तो गेम के बाद ही पता चलेगा। पर अगर आप फैक्ट्स देखो और प्लेयर्स देखो तो उसके हिसाब से तो यही टीम लग रही है और जीतने वाली है। पर इसमें जो है बता रहे हैं, जैसे रोहित शर्मा उनके कैप्टन है और जिस तरह से वो ट्रॉफियों पे ट्रॉफियां जीत रहे हैं तो क्या कह सकते हैं। और एक फोटो उन्होंने दी थी जिसमें ट्रॉफी को तो पूरी जप्पी पाके बैठे हुए हैं कि भैया अब तो कहीं जाएगी नहीं, पकड़ ही ली है उसको। तो वो ही मैं सोच रही थी जो ऐसे पकड़ी हुई है कि भैया नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास ही आएगी। पर देखते हैं अब क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है जैसे दिखा रहे हैं। और अच्छा, इससे ये भी पता चला कि राजस्थान की टीम में शायद बेन स्टोक्स जो है वो वहां पे हैं, तो ये बात सर ठीक है कि ये कोई मजाक कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, पर अमेजिंग है। अब वेट तो इसी की होगी कि कौन जीतता है। हर बंदे को लगेगा कि भैया हम इस जगह के, तो हमारी जगह जो है वो, हमारी जो सिटी है या स्टेट है वो जीते। जैसे हम दिल्ली से है तो हमें लग रहा है भैया दिल्ली जीते, मुंबई वाले कह रहे हैं भाई मुंबई जीते, तो हर को होगा चेन्नई वालों को गए चेन्नई जीते, तो काफी उस टाइम वो हो जाता है ना। तो ऐसी गेमों के टाइम अपनी अपनी की लगता है तब, जबकि इंडिया तो एक ही जीतेगा, कोई भी जीत जाए कोई ऐसा वो बात नहीं है, पर मजे के लिए ये सब होता है। तो काफी अच्छा वीडियो था, मजा आया देखने में। और जैसे कह रहे हैं कि इंडिया टीम को भी जो है, अगर इंडिया टीम वर्सेस मुंबई इंडियंस करें तो मुंबई इंडियंस जो है इंडिया टीम को हरा सकती है, पर उसमें चीटिंग हो रही थी भाई। वो उन्होंने कहा वो दोनों टीम में, जैसे रोहित शर्मा है तो कह रहे रोहित शर्मा को उधर कर दो, तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया टीम के की प्लेयर्स को उधर कर दोगे तो फिर इंडिया टीम कैसे जीतेगी, वो बात गलत थी भाई। पर मजेदार था वीडियो, राइट? तो इसमें एक बात ऑब्वियस है कि देखिए, जो कंपनी सबसे अमीर है वो सबसे बेस्ट प्लेयर्स ले लेगी, क्योंकि ये सारा गेम उसी का है। तो जो सबसे अमीर है, जैसे अंबानी जी की, अंबानी जी की टीम है, तो जो सबसे अमीर बंदा है वो सारे बेस्ट प्लेयर्स को अपनी टीम में ले लेगा, राइट? बिकॉज पैसे की बात है, ले लिया और वो टीम स्ट्रांग होगी। अब जब बोलते हैं हम तो मजाक कर रहे थे दिल्ली की टीम या मुंबई की टीम, क्योंकि दिल्ली की टीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के प्लेयर्स ही हो सकते हैं, राइट? बंदे को प्राउड तभी होता है कि अच्छा मैं दिल्ली से हूं और सारा बंदा दिल्ली का खेल रहा है। जो मुंबई का है वहां पे सिर्फ मुंबई के बंदे जो बॉर्न हुए थे मुंबई में वही खेल रहे हैं। हर टीम में के एरिया में वही होना चाहिए कि जो उस धरती पे बॉर्न हुआ है या आसपास बॉर्न हुआ है वही खेल सकता है, तब आप कह सकते हैं हाँ भाई दिल्ली की टीम में सिर्फ दिल्ली वाले हैं और मुंबई की टीम में सिर्फ मुंबई वाले हैं। ये सही नहीं है। मुंबई की टीम में वो है जो बेस्ट खेल रहा है, जिसको उन्होंने अपनी टीम में ले आए हैं पैसा देकर, राइट? जो भी आप कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, आप जो भी दे रहे हैं, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यूएस में भी है कि जो ज्यादा अमीर है वो सारे अच्छे प्लेयर्स अपनी टीम में रख लेता है और जैसे जैसे उसकी टीम ज्यादा जीतती है वो और अमीर होता चले जाता है और दूसरों के लिए कंपटीशन में प्रॉब्लम आती है, अनलेस उनकी फंडिंग बढ़े दूसरी टीम की और वो यहां से खींच के कोई बंदा ले, या फिर तब होता है कि जो मेन टीम जीत रही है उसमें जैसे प्लेयर ओल्ड हो जाते हैं तब दूसरे लोग उनको खींच पाते हैं, क्योंकि यहां वाले कह रहे हैं तुम ओल्ड हो गए हो और दूसरा बंदा कहता है मैं ओल्ड के भी तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो वो बंदा चले जाता है। तो यहां पे यही होगा, जैसे हम देख चुके हैं सिमिलर यहां पर भी हो रहा है। अब देखिए यहां पे जैसे से कोई प्लेयर जब ओल्ड होगा तो फटाफट दूसरी टीमें उसे उस बंदे को ले जाएंगी अपनी टीम में और यहां पे नए बंदे आ जाएंगे, तो फिर टेंशन पैदा होती है कि क्या ओल्ड बंदा जीत सकता है। कई बार ऐसा होता भी है कि ओल्ड बंदा किसी और में जाता है
और वहां जीतने लग जाता है, मगर जीता सिर्फ दो चार साल के लिए, उसके बाद रिटायर होकर चले जाता है। तो ऐसा ही ट्रेंड आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मुंबई की टीम, मुंबई इंडियंस अच्छा करी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके पास बेस्ट प्लेयर्स हैं फ्रॉम अराउंड इंडिया, वर्ल्ड भी तो है, एंड वर्ल्ड से भी उन्होंने लिए होंगे। तो क्योंकि तुम्हारे पास बेस्ट प्लेयर्स हैं इसलिए वो ग्रेट टीम है। और अगर दिल्ली की टीम अच्छा नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि दिल्ली के लोगों को खेलना नहीं आता, इसलिए आ रही क्योंकि जितना पैसा था उन्होंने उतने लोग अपनी टीम में रखे हैं और वो ज्यादा अच्छे प्लेयर्स नहीं है कंपेयर टू मुंबई इंडियंस। तो काफी अच्छा लगा वीडियो, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, अब देखते हैं कौन जीतता है। हस्बैंड ने तो बोल दिया ना, चाहे वो दिल्ली के नहीं है फिर भी देखेंगे कौन जीतता है, मुंबई जीतती है कि दिल्ली जीतती है कि कोई और जीतता है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।